बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम बड़ा करीम रहम करने वाला है। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम दोस्तों के लिए दुआ है कि मेरा मालिक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आपको हर बीमारी हर मुसीबत से महफूज रखे। दोस्तों, आज कलमी शोरे का एक तेल का नुस्खा देता हूँ जो कि छेनी कट को पकाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है और उसमें शंगरफ भी आप पका सकते हैं। नीले की पक्की गोलियां जो सी हों वो चाहें तो वो भी उसके अंदर आप पका सकते हैं। ये नुस्खा मेरे उस्ताद मोहतरम की डायरी में जो अच्छे नुस्खे जिन पर नोट लगे हुए हैं, मैं उनमें से ये नुस्खा आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ। हालांकि ये नुस्खा अपने लिहाज से आप जो कीमिया के दोस्त जो काम करने वाले हैं वो इस नुस्खे को देखते ही अंदाज़ा कर लेंगे कि नुस्खा 100% अल्लाह के फजल करम से बनने वाला नुस्खा है। और मैं छांटी करके वही नुस्खे ग्रुप में यूट्यूब पर देता हूँ जो कि मेरे खास कर मुझे भी पसंद हो और मुझे यकीन है कि वो दोस्तों को भी पसंद आएंगे उनके तजर्बे की बुनियाद पर। तो दोस्तों, नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने 150 ग्राम कलमी शोरा लेना है, 150 ग्राम आपने नौशादर लेना है, और इसमें 25 ग्राम सुरख का ही डाइक्रोमेट मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो दूसरी आम सुरख का ही ले लें। अब इनको पहले क्या करना है जी, कलमी शोरे को आपने 150 ग्राम, अगर कलमी शोरा है तो 150 ग्राम ही आपने इसके अंदर गंधक का तेजाब डालना है। इसको मीठी मीठी आग पर पकाकर इसको खुश करें, फिर इसको 150 ग्राम गंधक का तेजाब दें और इसको फिर दोबारा से इसी तरीके से खुश करें। 3 अमल करने के बाद अब नौशादर सुरख का ही और अपना कलमी शोरा ये तीनों आपस में मिलाकर खल करें और खल करने के बाद जो सा है इसको आप हल्की से कढ़ाई के अंदर हल्की सी आंच के ऊपर इतनी आंच दें कि ये पिघले ना, बस इसको सिर्फ गर्म हो 30 मिनट तक, आधे घंटे तक इसको आप आग पर रखें। उसके बाद इसकी आग को थोड़ा सा तेज कर दें तो ये पिघल जाएगा, तेल हो जाएगा। फिर इस तेल को आप 15 से 20 मिनट तक तेल रहने दें, फिर इसको ठंडा कर लें। फिर इसी तरीके से फिर दोबारा से इसको कढ़ाई में दोबारा से इसको कूट पीस कर फिर दोबारा रखें और फिर दोबारा यही अमल करें कि इसको 30 मिनट तक आपने आग इतनी देनी है कि ये पिघले ना, ये ही इसकी टेक्निक है। इसी तरीके से जब 30 मिनट के बाद फिर इसकी आग को तेज़ करें कि ये तेल हो जाएगा। ये 3 दफ़ा यही अमल करने के बाद फिर इसको आधा घंटे से पौना घंटा आप इसको पिघला रहने दें, आग इतनी होनी चाहिए इससे ज़्यादा ना दें। ये आपका अक्सीर तेल तैयार है और इसमें आप छेनी कट की जो भी गोलियां इसमें डालकर पकाएंगे इंशाल्लाह जो छेनी कट होता है जिसको काटने से वो छेनी कट पारा कटे वो गोलियां इसमें पकती हैं, ये मेरे उस्ताद की जबानी भी मैंने सुना। और इसमें वो कहते थे कि शंगरफ भी पकेगा और इसमें नीले की गोलियां भी बिल्कुल पक सकती हैं। तो इस तेल के अंदर आप जो चाहें पकाएं, लेकिन छेनी कट का ये नुस्खा है, अल्लाह के फजल करम से इसमें छेनी कट की गोलियां पकती हैं। जिस दोस्त का दिल करे वो बनाए, मेरा ये किया हुआ नुस्खा नहीं है, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम की डायरी में से जिन जिन पर नोट लगे हुए हैं कि ये अच्छा नुस्खा है और ये बेहतर नुस्खा है, और मेरा मामूले मतलब है मैं वही नुस्खे जो से छांटी करके दोस्तों की नज़र देता हूँ। मुझे दूसरों की तरह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये मेरा पर्सनल नुस्खा है, जी ये मैं बाजार करता हूँ, ये करता हूँ, जिन दोस्तों का दिल करे वो बनाएं। और ये नुस्खा खुद ही हर चीज़ के लिहाज से खुद ही साबित करता है कि नुस्खा बिल्कुल सही है। जो दोस्त छेनी कट पारा की चांदी बनाना चाहें तो इससे बना सकते हैं और गोलियां भी नीले की इसमें पक सकती हैं। इजाज़त चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आपको दूसरी वीडियो भी दोस्तों की नज़र कर सकूँ। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।